हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी क्लास 11 पे हम फोकस करेंगे। आज इस पूरी एक्सरसाइज पे हम फोकस करने वाले हैं, तो दोस्तों साथ आप बने रहेंगे। पूरी एक्सरसाइज मैं आपको बेस से समझा दूंगा ताकि आपके बाइनोमियल थ्योरम से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी दूर हो जाएंगी और आप और ज़्यादा साउंड हो जाएंगे। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है एक्सरसाइज 8.1, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक देखिए और 8.1 ज़रूर से सॉल्व करिए। अगर आप कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स मुझसे चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम और सॉल्व करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। तो दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम में एक्सरसाइज 8.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कोफिशियंट निकालना है एक्स टू द पावर 5 का। कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 इन एक्स प्लस 3 टू द पावर 8, हमें कोफिशियंट निकालना है दोस्तों एक्स प्लस 3 टू द पावर 8 के एक्सपांशन में एक्स टू द पावर 5 का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता हो कि ए प्लस बी टू द पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है, ए प्लस बी टू द पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है, इसका जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है? इसका आर प्लस वनथ टर्म जनरल टर्म होता है एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, ये इसका दोस्तों जनरल टर्म है। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? हमारे इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म होगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 8 सी आर एक्स टू द पावर 8। उससे आप कंपेयर करिए, ए आपका ये है, बी ये है, एन ये है, तो 8 सी आर एक्स टू द पावर 8 माइनस आर 3 टू द पावर आर। हमें क्या चाहिए? व्हाट डू वी नीड? हमें चाहिए कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 5। तो इसको किससे इक्वेट कर देंगे दोस्तों? इसको इक्वेट करेंगे 8 माइनस आर को 5 से इक्वेट करेंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? तो आर की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 5 3। और ये आर की वैल्यू 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा टी 3 प्लस 1 8 सी 3 एक्स टू द पावर 8 माइनस 3 3 टू द पावर 3। अब 8C3 कैलकुलेट करिए आप, तो 8C3 मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया है एनसीआर का, आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। 8 से चालू करके आप 3 कदम जाएं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये फर्स्ट स्टेप है डिक्रीजिंग में, 7, फिर उसके बाद एक और स्टेप जाएंगे 6, अपॉन में क्या लिख देंगे 3 फैक्टोरियल 3 2 1। और अगर आप ये एक्स टू द पावर 5 है, 3 टू द पावर 3 इज़ व्हाट? 3 टू द पावर 3 इज 27, चाहे तो इसको कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 9, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा, अब आपके पास आ जाएगा 8 7 जा 56 इंटू 9 3 जा 27। अगर ये आप एनसीआर का ये फार्मूला लगाना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला, फैक्टोरियल एन एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, इवन दिस कैन बी अप्लाइड। और फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है आपको इस टाइप का कंसेप्ट इजी कैलकुलेशन नहीं पता हो, तो 9C2 है, तो 9C2 लिखा है, तो 9 से स्टार्ट करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में दो स्टेप जाइए, तो दो स्टेप जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप तो 9 इटसेल्फ है, सेकेंड स्टेप इज़ वॉट 8, और अब C2 लिखा है तो 2 फैक्टोरियल, और 9C4 लिखा होता तो 9 से स्टार्ट करके 4 स्टेप तक जाते, 9 इटसेल्फ 1 है, सेकेंड है 8 7 और ये फोर्थ स्टेप है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अपॉन में 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, ये आ गया आपके पास, क्लियर है? इसी तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया 8C3, 8 से स्टार्ट करके 3 स्टेप 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कॉन्जिकेटिव नंबर डिक्रीजिंग वाले 8 के बाद 7 7 के बाद 6। तो ये था दोस्तों आपका, अब आप 27 इंटू 56 कर लीजिए, 27 इंटू 56 मैं भी वही करूँगा जो आप करेंगे, तो आप होपफुली कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर टू है, कोफिशियंट ऑफ ए स्क्वायर ए टू द पावर फाइव बी टू द पावर सेवन, कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर फाइव बी टू द पावर सेवन इन ए माइनस टू बी टू द पावर ट्वेल्व। अब आप इसका टी आर प्लस वन लिखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टी आर प्लस वन होगा आपका ट्वेल्व सी आर ए टू द पावर 12 माइनस आर माइनस टू बी टू द पावर आर, तो ये हो जाएगा आपका 12 सी आर ए टू द पावर 12 माइनस आर माइनस टू टू द पावर आर बी टू द पावर आर। अब आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर 5 बी टू द पावर 7। 12 माइनस आर की जगह क्या होना चाहिए, आप देखिए ए टू द पावर 12 माइनस आर है या 5 है तो 12 माइनस आर मस्ट बी व्हाट 5, तो इससे 12 माइनस 5 7 इज इक्वल टू कितना आ गया आर, और बी कितना होना चाहिए। तो आप ये मत सोचो कि आर की वैल्यू इससे आ गई तो उससे नहीं निकालें, उससे भी निकालिए आप, कभी कभी हो सकता है दोनों से डिफरेंस हो तो फिर आप लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट इज जीरो, देयर इज नो सच टर्म। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी ध्यान रखते हुए इस चीज को जरूर से करें। तो b टू द पावर 7 है और b टू द पावर r है तो r इज इक्वल टू 7, दोनों से r का वैल्यू सेम सेम आ रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका कोफिशियंट r इज इक्वल टू 7 सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे। तो r इज इक्वल टू 7 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, तो r इज इक्वल टू 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा t 7 प्लस 1, इसी में सब्स्टिट्यूट करना है आपको ये टी आर प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा t 7 प्लस 1 12 सी 7 ए टू द पावर 12 माइनस 7 माइनस 2 टू द पावर 7 और ये आ जाएगा आपके पास b टू द पावर 7, तो ये हो जाएगा 12 सी 7 इंटू माइनस 2 टू द पावर 7 ए टू द पावर 5 b टू द पावर 7। तो हमें कोफिशियंट निकालना है दोस्तों, तो कोफिशियंट ऑफ a टू द पावर 5 b टू द पावर 7 इज 12 सी 7 इंटू माइनस 2 टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 7। अब देखते हैं हम इन्होंने वैल्यू कैलकुलेट की है कि नहीं की है, क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है तो एक बार इसका देखना ज़रूरी है हमें 8.2 एक्सरसाइज का। तो इन्होंने दोस्तों कैलकुलेट की है वैल्यू बच्चों, तो एक काम करें आप, मैं आपको 12 सी 7 को कैलकुलेट करने का मैं तरीका जो मैंने आपको बताया था वो मैं यहाँ वापस से लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से उसको कैलकुलेट करें और क्रॉस चेक भी कर पाएंगे। तो 12 सी 7 कैलकुलेट करना है आपको, तो अगर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक रिजल्ट याद हो उसका यहाँ बेनिफिट मिल सकता है आपको, वो रिजल्ट क्या है मैं आपको बोलता हूँ, वो रिजल्ट है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो जो ये 12 सी 7 लिखा है आपने, इसमें 12 सी 7, 12 सी 7 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 12 सी 12 माइनस 7, 12 सी 12 माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका 12 सी 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 सी 5 और माइनस 2 टू द पावर 7। अब मेरी बात आप सुनिए, 12 सी 5 है तो 12 से चालू करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 तक जाना है, 12 11 10 9 1 2 3 4 और ये आ गया 5 अपॉन में 5 3 2 1 5 4 3 2 1 सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और माइनस 2 द पावर ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा, 2 टू द पावर 7, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, तो ये हो जाएगा माइनस 128। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आप कैलकुलेट कर लें इसको, 5 2 जा 10, ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल कर दें, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 3 से किसको कैंसिल कर सकते हैं आप, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9 प्लस इनटू माइनस
प्लस इंटू माइनस इज वॉट, माइनस 12 इंटू 11 इंटू 8 3 जा, ये 8 इंटू 3 24, इंटू कितना है आपके पास 32। तो ये दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करना है, तो ये कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर ले सेल्फ। और अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो तो मैं आपको मोबाइल से कैलकुलेट, ये मेरे पास मोबाइल है, इससे मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ ताकि आप उसको क्रॉस चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें कि जो आंसर लिखा है वो सही है कि नहीं है। तो 12 इंटू 11 इंटू 24, बिकॉज इट विल टेक मच टाइम, 32, ये आ गया माइनस 101376। इसके लिए मैं आपसे दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन के लिए आपको CBSE में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो आपको कैलकुलेशन सेल्फ करनी पड़ेगी। तो आप कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वो बहुत सरल है, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमें केवल जनरल टर्म निकालनी है। तो जनरल टर्म देखते हैं कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² - y² 6। तो आप ये वाला फॉर्मूला जनरल टर्म का ही है, जो ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा है, आप इससे जनरल टर्म लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे जनरल टर्म, tr+1, n इज वॉट, n इज 6, cr, r विल रिमेन r, r में कोई चेंज नहीं होगा, x² - कितनी है n - r, मीन 6 - r, और b ध्यान दीजिए, b इज -y, तो हो जाएगा -y² r। तो दिस इज द जनरल टर्म, यही रिक्वायर्ड जनरल टर्म है। अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं आप, 6 cr, और ये जो -1 r है उसको यहाँ लिख दें, x² क्या हो जाएगा, तो 2 6 12, माइनस 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इंटू y² r। ये आपका दोस्तों आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन इज ओवर नाउ, और फोर्थ वाला मैं बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लिख दूंगा, x² - yx² 12। अगेन द क्वेश्चन इज अबाउट टू फाइंड जनरल टर्म, इसमें आपको जनरल टर्म निकालनी है। तो जनरल टर्म के लिए वही आपका फॉर्मूला द सेम, tr+1 रिटर्न ओवर देयर, उसको देख लें आप, n = 12, cr, x² - 12 - r, -yx² r। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये -1 r ये लिख दिया, 12 cr विल रिमेन 12 cr, कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि r इज नॉट नोन। x की पावर देख लीजिए आप, x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 × 12 = 24, -2 r इंटू y² r और x² r। बस अब एक काम और एक करना है आपको कि x की जो ये पावर है इनको ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स मस्ट बी एडेड, पावर दोनों की आप क्या कर दें, ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा। -1 r 12 cr, x² - 24 -2 r + this r, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 24 - r, -2 r और प्लस r विल बी -r और y² r। ये दोस्तों आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम, ये मैं रहने देता हूँ लास्ट तक ताकि इसकी फॉर्मूले की ज़रूरत हमें बार बार लगती रहेगी, तो आप इसको साथ देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5, फोर्थ टर्म इन
एक्स माइनस टू वाई टू द पावर 12। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको सब सारे केस में जनरल टर्म निकालनी है, तो जनरल टर्म देख लीजिए आप, ये हो जाएगा 12 सी आर एक्स टू द पावर 12 माइनस आर माइनस टू वाई टू द पावर कितना आर। हमें फोर्थ टर्म निकालनी है, टू फाइंड फोर्थ टर्म। अगर हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो r की जगह हम रखेंगे 3, अगर r की जगह 3 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा t3 थ्री प्लस वन, ये फोर्थ टर्म आ जाएगी 12 सी थ्री एक्स टू द पावर 12 माइनस थ्री माइनस टू वाई टू द पावर 3। अब देखो आपको वो जो टेक्निक है उसका फिर फायदा मिलेगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा लिख दें, एक्स टू द पावर कितना हो गया 9 माइनस टू द पावर ऑड तो माइनस आएगा, 2 टू द पावर 3 तो 8 हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। अब आप ध्यान से देख लीजिए जो जो जिससे कैंसिल हो रहा है, 3 टू जा 6 है, 6 टू जा कितना हो गया 12 हो गया, ये तो खैर कैलकुलेशन आसान है, 11 इंटू 2 22 और 22 इंटू 10 इंटू 8 और माइनस शुरू में आएगा, और आप चाहें तो 8 पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर एक काम करते हैं फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू कितना लिखा है हमारे पास वो ओके एक्स टू द पावर 9 वाई क्यूब, तो x पहले लिख दें y बाद में लिख दें, आगे पीछे लिखने से कोई इशू नहीं है। तो 22 इंटू 8 निकालना है आपको, तो 22 इंटू 8 निकाल लीजिए, 8 टू जा 16 8 टू जा 16 तो वो जो कैरी ओवर होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 17 और 0 है इनटू में तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर है फोर्थ टर्म निकालने का। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है आपको, सिक्स्थ क्वेश्चन है कि इसमें ये फिफ्थ था, ये क्वेश्चन सिक्स्थ है, 13th टर्म इन, इसमें आपसे पूछ रहा है 13th टर्म इन, तो ये मैं थोड़ा सा एब्रीवेटेड मतलब कम स्टेप्स में लिख देता हूँ और आप अपना आंसर इससे मिला लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, टी आर प्लस वन लिखना पड़ेगा, वो आप लिखिएगा, आर की जगह आप 12 डाल दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा टी 13 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 18 सी 12 और 9x टू द पावर 18 माइनस 12 माइनस 1/3 रूट एक्स टू द पावर 12। अब थोड़ा कैलकुलेशन होगा, वो जो रिजल्ट मैंने आपको एक बताया था एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, अगर वो आप यहाँ लगाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, एन 18 सी 18 माइनस 12 6 हो जाएगा, 9 टू द पावर कितना हो जाएगा ये 6 एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 12 तो वो प्लस हो जाएगा 1 टू द पावर 12 1 3 टू द पावर 12 और रूट एक्स टू द पावर 12 है तो एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स टू द पावर 6 से एक्स टू द पावर 6 आपका कैंसिल हो गया। अब क्या करना है आपको, अब कोई खास काम बचा नहीं है आपको, केवल और केवल दोस्तों क्या कैलकुलेट करना है, 18 सी 6 और ये दूसरी चीज जो है वो तो कैंसिल हो जाएगी, 18 सी 6 कैलकुलेट करना है, तो 18 सी 6 को मैं 18 सी 6 रख देता हूँ, 9 टू द पावर जो 6 है तो वो आप समझ ले वो है 3 स्क्वायर टू द पावर 6 और नीचे लिखा है 3 टू द पावर 12 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 2 6 जा 12 हो जाएगा, ये भी 2 6 ये तो 12 है ही ऑलरेडी, तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मिडिल टर्म का क्वेश्चन है, मिडिल टर्म इन, किसकी मिडिल टर्म निकालनी है, 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 टू द पावर 7, इसका हमें मिडिल टर्म निकालनी है। तो मिडिल टर्म के लिए दोस्तों फॉर्मूला है, अगर n की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो, वैसे भी मैं आपको कंसेप्चुअली भी सिखा दूंगा, एक आइडिया भी सिखा दूंगा और आप फॉर्मूले से भी कर सकेंगे, n इज इक्वल टू व्हाट 7, तो आप एक बात नोटिस करना कि जो a प्लस बी है, a प्लस बी टू द पावर n, इसके एक्सपेंशन में n प्लस वन टर्म्स होती है, कितनी होती है आप गिन के देखिएगा, एक्सपेंशन कंटेन्स n प्लस वन टर्म्स। मैं आपको एक एक्सपीरियंस भी बताता हूँ, देखो
अगर आप ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपांड करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टोटल टर्म कितनी आती है, तीन आती है। अगर आप ए प्लस बी होल क्यूब को करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, थ्री ए स्क्वायर बी और थ्री ए बी स्क्वायर, चार आती है। पावर तीन रहती है तो चार आती है, तो इसमें कितनी आएगी, तो पावर अगर इसकी n है तो n प्लस वन टर्म्स आएंगी, इसमें पावर कितनी है, सेवन है, तो टोटल टर्म्स एट आएंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब इसमें मिडिल टर्म निकालना है आपको, तो मिडिल निकालने के लिए अपन धीरे धीरे करके इधर से एक एक बीच बीच में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन दोनों को भी काट देंगे तो बीच में मिलेगा क्या अपने को, नहीं मिलेगा। तो ये बीच की जो टर्म होंगी, तो देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स, कौन की कौन सी होंगी दोनों मिडिल टर्म, एक तो फोर्थ होगी और एक फिफ्थ होगी। यू नीड नॉट टू वरी, मैं फार्मूला भी आपको लिख के देता हूँ, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। अगर इसमें मिडिल टर्म का फार्मूला भी है, लेकिन फार्मूले का भी लॉजिक वही है जो लॉजिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, द सेम लॉजिक इज देयर। तो ध्यान से सुनो, अगर आपके पास n n यानी पावर ऑड हो तो मिडिल टर्म होंगी आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं मिडिल टर्म, n अगर ऑड हो तो मिडिल टर्म क्या होगी, दो मिडिल टर्म होगी, एक तो होगी आपके पास n प्लस वन बाय टू एथ टर्म और दूसरी होगी n प्लस थ्री बाय टू एथ टर्म। और अगर आपका n इवन है, n अगर आपका इवन है तो आपके पास मिडिल टर्म होगी n बाय टू प्लस वन एथ, देख लें, या फिर आप इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, n प्लस टू बाय लिख सकते हैं, n प्लस टू एलसीएम लेके यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो ना, n प्लस टू, तो कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये मिडिल टर्म है, तो अभी हमारे पास दोस्तों n इज इक्वल टू कितना है, सेवन है। तो इफ़ वी गो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, फार्मूले से अगर अपन चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, सेवन प्लस वन एन प्लस, ये कितना है, ऑड है, तो मिडिल टर्म होंगी, मिडिल टर्म्स विल बी एन प्लस वन बाय टू एथ एंड एन प्लस थ्री बाय टू एथ, वही आएगी जो मैंने आपको बताया था फोर्थ और फिफ्थ। देखिए रख के, ये हो जाएगा आपका एन प्लस वन, सेवन प्लस वन बाय टू एंड सेवन प्लस थ्री बाय टू, तो ये हो गया आपका। इसका एवरेज मत निकालिएगा, टेंथ में ऐसा सवाल है जिसमें मीडियन निकालना होता, तो मीडियन में इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, यहाँ अलग अलग निकालना है। तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म, और कौन से टर्म निकालनी है आपको, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे इस केस में दोस्तों, सबसे पहले इसका टी आर प्लस वन निकालेंगे, तो टी आर प्लस वन निकाल देते, टी आर प्लस वन इज वॉट, सेवन सी आर, ये फॉर्मूला विल रिमेन सेम, आर प्लस वन का सेवन सी आर थ्री टू द पावर सेवन माइनस आर माइनस एक्स क्यूब अपॉन सिक्स टू द पावर आर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, या डायरेक्ट एक काम करें, यहाँ फिर बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, आर की जगह थ्री रख देंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, और आर की जगह फोर रख देंगे तो फिफ्थ आ जाएगी, तो दो आंसर होंगे इसके। तो आंसर होगा टी थ्री प्लस वन सेवन सी थ्री, थ्री टू द पावर सेवन माइनस थ्री माइनस एक्स क्यूब टू द पावर थ्री और सिक्स टू द पावर भी थ्री, क्योंकि होल टू द पावर थ्री है ना, और इधर आर की जगह फोर रख दीजिए, सेवन सी फोर और थ्री टू द पावर सेवन माइनस फोर माइनस एक्स क्यूब अपॉन सिक्स टू द पावर, ये आ गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सेवन सी थ्री तो मैंने आपको बताया सेवन इंटू सिक्स इंटू थ्री, ओ फाइव, तीन कदम गए, वन टू थ्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और थ्री फैक्टोरियल है, थ्री टू वन, थ्री टू द पावर कितना है, फोर है, माइनस टू द पावर ऑड है तो माइनस आएगा बाहर, माइनस और एक्स की पावर नाइन अपॉन में सिक्स टू द पावर थ्री,
सिक्स टू द पावर थ्री, तो अब कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगी आपको, तो ये सिक्स से सिक्स को कैंसिल कर दें तो दो सिक्स बच गए आपके पास, थ्री से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका थ्री टू द पावर थ्री। तो अब आप ध्यान से देख लें, सेवन इंटू फाइव इंटू थ्री टू द पावर थ्री है, तो इसको लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, और माइनस एक्स टू द पावर नाइन है तो माइनस बाहर, एक्स टू द पावर नाइन अपॉन टू इंटू वन तो टू, सिक्स स्क्वायर है तो सिक्स स्क्वायर को लिख दें थ्री इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू, तो ये थ्री थ्री भी कैंसिल हो गए आपके दो। तो फिर आपके पास क्या बच गया दोस्तों, अब आपके पास बच गया सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव इंटू थ्री तो थर्टी फाइव इंटू थ्री थ्री थर्टी फाइव थ्री थर्टी फाइव इंटू थ्री थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री थ्री जा नाइन तो 105 आता है शायद। कैलकुलेशन की मिस्टेक हो माइंड मत करिए, टू टू जा फोर टू जा एट, एक्स टू द पावर कितना आ गया नाइन। आप सेवन सी फोर सेवन सी थ्री लिख सकते हो उसको इस फॉर्मूले से, लेकिन अगर आप कैलकुलेट डायरेक्ट करना चाहते हो छोटा सा क्या एडजस्टमेंट करना है सोच के, ये फोर फोर कैंसिल हो गया वही आ गया देखो सेवन सिक्स फाइव थ्री टू वन, और थ्री टू द पावर कितनी है आपके पास, यहाँ सेवन माइनस फोर है तो यहाँ थ्री टू द पावर आपके पास थ्री है, माइनस टू द पावर इवन है तो प्लस हो गया, एक्स टू द पावर कितना हो गया ट्वेल्व हो गया, सिक्स टू द पावर कितना हो गया आपके पास फोर हो गया। तो कैलकुलेट कर लीजिए आप इसको, सिक्स से इसको कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ थ्री आ जाएगा, सेवन इंटू फाइव कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए सेवन इंटू फाइव बन गया आपके पास थर्टी फाइव अपॉन थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू को सिक्स लिख दीजिए, और इसको ऐसा करें टू टू द पावर, इनको दोनों को क्लब कर दें टू बाय सिक्स होल क्यूब एक साथ कर दिया तो ये हो जाएगा आपका टू बाय सिक्स सॉरी थ्री बाय सिक्स होगा ना, थ्री बाय सिक्स थ्री टू या सिक्स तो वन बाय टू, टू का क्यूब हो जाएगा एट, एट सिक्स या फोर्टी एट। फिर भी मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा कि यह आंसर सही हो, आप देख लीजिएगा आपकी बुक में क्या आंसर आता है आप मिला लीजिए, और कुछ कैलकुलेशन में अगर एरर हो गई हो तो नो प्रॉब्लम, प्लीज़ आप अपने से सेल्फ उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा एट, एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, मिडिल टर्म किसका निकालना है, मिडिल टर्म एट्थ क्वेश्चन, मिडिल टर्म निकालना है आपको x बाय थ्री प्लस नाइन वाई टू द पावर टेन, n कितना है इस केस में टेन, इवन नंबर है तो मैंने इवन के लिए आपको बताया था क्या तरीका है आपके पास, n बाय टू प्लस वन एथ, ये मिडिल टर्म होगी तो ये हो जाएगा आपका टेन बाय टू प्लस वन यानी फाइव प्लस वन सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म के लिए सबसे पहले टी आर प्लस वन लिख दें तो आपका टी आर प्लस वन इसी फॉर्मूले से, इसीलिए इसको मैंने रब नहीं किया है, टेन सी आर एक्स बाय थ्री टू द पावर टेन माइनस आर नाइन वाई टू द पावर आर, और आर की जगह अब आपको फाइव रखना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू फाइव तो ये हो जाएगा आपका टी सिक्स टेन सी फाइव एक्स टू द पावर एक्स बाय थ्री टू द पावर टेन माइनस फाइव नाइन वाई टू द पावर फाइव होल टू द पावर फाइव है। तो अब बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर दोस्तों एट्थ, क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की मैंने ट्रिक आपको बता दी है, अब हमारे पास है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन, एक बार टाइम भी चेक कर लेते, ओके 29 मिनट्स हुए हैं अभी और कुछ सेकंड्स। तो क्वेश्चन नंबर है नाइन, तो काफ़ी कुछ हमने कर लिया थोड़ी देर में, इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस ए होल टू द पावर एम प्लस एन, इन दिस एक्सपेंशन क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट कोफिशियंट ऑफ a टू द पावर m इज इक्वल टू
कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर एन, कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर एन, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जनरल टर्म ही निकालनी पड़ेगी। जनरल टर्म क्या होगी इसकी? जनरल टर्म होगी टी आर प्लस वन। टी आर प्लस वन के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, एन सी आर। एन कौन है? एन इस समय एम प्लस एन है, एम प्लस एन सी आर। ए क्या चीज है? व्हाट इज ए? ए इज वन। तो वन टू द पावर एम प्लस एन माइनस आर इन टू बी। बी इज व्हाट? तो बी इज ए, बी है ए, तो ए टू द पावर आर। कैलकुलेट कर लेते हैं, एम प्लस एन सी आर, वन की कुछ भी पावर है तो वन है तो उसको भूल जाएं, ए टू द पावर आर। दिस इंप्लाइज, व्हाट डज इट इंप्लाई? इट इंप्लाइज कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर आर इज, इसका कोफिशियंट कौन है? एम प्लस एन सी आर है। देखिए आप, ए टू द पावर आर का कोफिशियंट कौन है? एम प्लस एन सी आर है। तो इसलिए कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर एम कौन होगा? आर है तो यहाँ पर आर है, तो अगर एम है यहाँ पर तो हो जाएगा एम प्लस एन सी एम। कोफिशियंट ऑफ एन, कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन का कोफिशियंट होगा एम प्लस एन सी एन, एम प्लस एन सी एन। यहाँ आर की जगह एक बार एम रख देंगे, यहाँ पर यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ एम, यहाँ पे एम, यहाँ एन, तो यहाँ और यहाँ भी एन आ जाएगा। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब क्या प्रूव करना है? कि ये दोनों इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल प्रूव करने के लिए, नाउ वी हैव टू प्रूव एम प्लस एन सी एम इज इक्वल टू एम प्लस एन सी एन। अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा प्रूव। एन सी आर को एन सी एन माइनस आर लिखोगे, एम प्लस एन को एम प्लस एन सी एम को ऐसा लिख दो, एम प्लस एन, एम प्लस एन सी, एम प्लस एन माइनस एम, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन फिर भी मेरी सलाह है आप ऐसे ना करें, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, कभी आपके टीचर माइंड करेंगे तो आप दोनों तरफ फार्मूला लगा दें। क्या फार्मूला लगा देंगे? तो ये फार्मूला लिख देता हूँ मैं, एन सी आर इज़ वॉट? फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर फैक्टोरियल इन टू आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला आप लगा दें तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला लगाने से एम प्लस एन फैक्टोरियल, एम प्लस एन माइनस एम फैक्टोरियल, और एम से एम को कैंसिल, इंटू एम फैक्टोरियल, एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एम प्लस एन माइनस एन, एम प्लस एन माइनस एन फैक्टोरियल, एन से एन कैंसिल, इंटू कितना आ जाएगा आपके पास? एन फैक्टोरियल। तो देखो आप, आपके पास दोनों साइड सेम आ गई, एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एन एन सॉरी अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इधर देखिए आप, एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया है, इसलिए हैंस इट इज प्रूव्ड, इसलिए ये सही हो गया है। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब आप काफ़ी कुछ इसके कंसेप्ट सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और उनको मैं इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट वीडियोस में करूंगा वन बाय वन, तो यू कैन गो थ्रू देम। और ये इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि लोग इनको इंडिविजुअली सर्च करते हैं, तो दैट इज़ व्हाई आई डोंट वांट टू सॉल्व दोज 3 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। आई विल बी सॉल्विंग इन नेक्स्ट वीडियो,
सो आप क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आप नेक्स्ट वीडियो में जाएं और नेक्स्ट वीडियो में जाकर के उनको देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी बेस्ट विशेस हैं और होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरे इस चैनल को आपको आगे बढ़ाना मेरे साथ साथ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टीम। और मेरी एक ही इच्छा है एक ही ख्वाहिश है कि आप आगे बढ़ें तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो ये विश्व आगे बढ़ेगा। और आई वॉन्ट यू शुड बी वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। माई बेस्ट विशेस विद यू, ऑल द बेस्ट।